हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करीना अपने पति मोहित के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन करीना मोहित के ऑफिस उसको उसका टिफिन देने जाती है, और जैसे ही अब करीना मोहित के कैबिन में जाती है, वैसे ही वो वहाँ देखती है कि उसके पति की बाहों में कोई लड़की थी। ये देख करीना के हाथ से टिफिन गिर जाता है और करीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। टिफिन गिरते ही मोहित उस लड़की को छोड़ देता है और करीना से बोलता है, करीना देखो। बस मोहित जी, इतना बोलकर करीना वहाँ से चली जाती है। मोहित अपने ऑफिस में था और वो इस तरह ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो अपनी पत्नी के पीछे नहीं जाता। और जब शाम होती है तब वो अपने घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि करीना ने अपनी आंखों को रो रो कर लाल कर रखा था। ये देख मोहित बोलता है, करीना ये सब क्या है? वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मोहित जी, आप कब तक मुझे इस तरह दुख देते रहेंगे? अगर मुझे पता होता कि आप ऐसे हैं, तो कसम से मैं आपसे कभी शादी ही नहीं करती। अरे पर मैंने किया क्या है, मुझे बताओ तो सही। अच्छा, तो आप बहुत शरीफ हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ मैं शरीफ हूँ। और ना तुम किस चीज के बारे में कह रही हो ना, मुझे नहीं पता। इतना बोलकर मोहित अलमारी से कपड़े लेने लगता है, तभी करीना उसके कपड़े फेंकती हुई उससे बोलती है, मोहित जी बिल्कुल सच सच बताना, आखिर कौन थी वो लड़की जो आपकी बाहों में थी? करीना वो कोई भी नहीं थी यार, वो मेरे ऑफिस की कलीग थी। वो मेरे साथ ना बैठकर काम किया करती थी। मेरा प्रमोशन हो गया और मुझे कैबिन में शिफ्ट कर दिया गया, और वो मुझे ना फाइल देने आई थी, तभी उसका पैर फिसल गया, तो बस मैंने उसे संभाल लिया। इसके अलावा कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी। पक्का ना, कोई और बात तो नहीं है ना? तुम्हारे सर की कसम, मैं तुम्हारी सौतन क्यों लाऊंगा? मैं पहले की तरह ना किसी लड़की के पास नहीं जाऊंगा। कभी मत जाना, तुमने पिछली बार भी मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। अरे हाँ बाबा, नहीं जाऊंगा पक्का। चलो अब मुझे कपड़े बदलने दो, बहुत थक गया हूँ मैं। इस तरह से मोहित कपड़े बदलने चला जाता है, और कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह करीना अपने गीले बाल मोहित के चेहरे पर रखते हुए उससे उठाती है। जैसे ही करीना के गीले बाल मोहित के चेहरे पर जाते हैं, वैसे ही मोहित की आंखें खुल जाती हैं, और मोहित अब उसको पकड़कर अपने हाथ से अपने बेड पर लेटा लेता है और उसके ऊपर हाथ रखकर दोबारा सोने लगता है। जिसके बाद करीना हंसते हुए बोलती है, अरे मोहित जी क्या कर रहे हैं आप, अब छोड़िए भी। क्या कर रहा हूँ, अपनी बीबी को अपनी बाहों में भर रहा हूँ बस, और क्या कर रहा हूँ। बहुत पंगे ले रही थी ना गीले बालों से, आप खुद को छुड़वा कर दिखाओ तो मानो। अरे मोहित जी, मैं तो आपको आज थोड़ी अलग तरह से उठा रही थी बस। अच्छा जी, भला वो क्यों, रोज तो चिल्लाते उठाती हो, आज क्या स्पेशल है जो बताऊं? हाँ मोहित जी, आप पापा बनने वाले हैं। क्या सच में? करीना तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे क्या दिया है, आज तुमने मुझे वो दिया है जिसके बारे में मैं अपने लफ्जों से बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ। सच में तुमने मुझे ना दुनिया की बहुत बड़ी खुशी दे दी है। अब तुम देखना कि मैं अपने आने वाले बच्चे और अपनी मोहतरमा का कितना अच्छे से ध्यान रखता हूँ, और आने वाले समय में बहुत मेहनत करूंगा, और तुम दोनों अगर कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उसकी ये बात सुनकर करीना उसको गले लगा लेती है, और थोड़ी देर बाद मोहित रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। आज मोहित बहुत खुश था, पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसका कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं था। ये सोचकर मोहित आज घर जल्दी चला जाता है, पर ये क्या, जब मोहित घर जाता है तो मोहित के घर पर करीना अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी छोटी बहन रागिनी थी। ये देख मोहित खुशी से बोलता है, अरे रागिनी तुम यहाँ कब आई? बस जीजू आ गई, आपकी बहुत याद आ रही थी ना इसलिए। दोनों अब एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली करने लगते हैं। ये देख करीना चिढ़ते हुए बोलती है, हो गई तुम दोनों की हंसी ठिठोली या और भी कुछ बाकी है? क्या हुआ दीदी, आप भड़क क्यों गई? कुछ नहीं, बस तुम दोनों की कुछ ज्यादा ही हंसी ठिठोली हो रही है ना, इसलिए मैंने तुम दोनों को टोकना जरूरी समझा। इतना बोलकर करीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन करीना ने ऐसा क्यों कहा था, इस बात से अनजान रागिनी अपने जीजू से बोलती है, जीजू दीदी इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हैं? जैसे आप पर उन्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। हाँ रागिनी, उसको ना मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों जीजू? रागिनी आज से एक साल पहले ना मेरा अफेयर किसी और के साथ ना स्टार्ट हो चुका था,
और उस समय मैंने इसको बहुत इग्नोर किया, लेकिन समय रहते इसको सब पता चल गया और ये मुझे ना लाइन पर ले आई। मैं करीना से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं इससे अलग होने का कभी सोच भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। और हाँ, ये बात तुम्हें पता है, इसका जिक्र ना अपनी बहन के सामने भूल कर भी मत करना। डोंट वरी जीजू। और हाँ, कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, सो जस्ट चिल ओके। वो दोनों बात ही कर रही होती हैं, तभी वहाँ एक बार फिर करीना आ जाती है और उन दोनों से बोलती है, खाना खाना है या नहीं, मुझे बस इतना बताओ। आ रहे हैं बाबा। चलो रागिनी, वरना ना आज इसके गुस्से से ना हम दोनों का कोई नहीं बचा सकता है। हाँ बाबा चलो। सभी लोग अब खाना खाने लगते हैं और खाते वक्त करीना अपनी बहन रागिनी से बोलती है, रागिनी एक बात तो बता, तेरे और तेरे जीजू के बीच में ऐसी कौन सी बात हो रही थी जो तुम दोनों इस तरह ठहाके मार मार कर हंस रहे थे? ओफो दीदी, मेरे प्यारे जीजू पर आप कितना शक करती हो। जीजू बोल रहे थे कि आप प्रेग्नेंट हो गई हो ना, इसीलिए गुस्सा आपकी नाक पर चढ़ा रहता है। इस बात का जवाब करीना नहीं देती और हंसने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब करीना हॉस्पिटल के लिए घर से निकलती है और मोहित भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, और तभी रागिनी मोहित के कमरे में जाती है और उसका पैर फिसल जाता है, जिसके बाद रागिनी मोहित के ऊपर बिस्तर पर गिर जाती है और तभी वहां पर करीना आ जाती है। करीना अपनी बहन और अपने पति को एक साथ देखकर उन दोनों पर भड़क उठती है। तू भी अपने जीजू के जैसी ही निकली, आखिर तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू मेरी सौतन क्यों बनना चाहती है? आखिर तुझे अपने इस जीजा में ऐसा क्या नजर आया जो तुम मेरी सौतन बनने को तैयार हो गई और ऐसी गिरी हुई हरकत कर दी? दीदी आप गलत समझ रही हैं, मेरे और जीजू के बीच ऐसा कुछ नहीं है। माना कि चीजें थोड़ी अजीब हो गई हैं, पर सच में जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से जीजू ने मुझे उस नजरिए से कभी नहीं देखा, और मैं आपकी सौतन क्यों बनूंगी जबकि मैं तो क्या, झूठ मत बोलना रागिनी, मैंने अपनी आँखों से देखा है तुम दोनों को, जब एक साथ रहना है तो मैं क्या करूँगी इस घर में रहकर। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी रिपोर्ट घर पर ही भूल गई थी, आज अगर मैं अपनी रिपोर्ट घर पर ना भूली होती तो तुम दोनों को इस तरह यूं रंगे हाथ ना पकड़ पाती। और मोहित जी आप कभी नहीं सुधरने वाले, इसलिए मुझे आपके साथ ही नहीं रहना। इतना बोलकर करीना घर छोड़कर जाने लगती है। मोहित करीना को बहुत मनाता है, पर करीना मोहित की किसी बात का यकीन नहीं करती, जिसके बाद मोहित उसको अपनी कसम देकर उसको रोक लेता है। इस तरह करीना रुक तो जाती है, पर वो अपने पति पर विश्वास नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर करीना अभी नॉर्मल नहीं हुई थी। ये सब देखकर रागिनी गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है और कुछ देर बाद रागिनी अमित नाम के लड़के से शादी करके घर आती है और करीना से कहती है, दीदी अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं आपकी सौतन नहीं बनना चाहती, मैं तो अमित से प्यार करती हूँ। मैंने आप सबको अमित के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी अमित कोई काम नहीं करते, घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानते, पर मैंने जब अमित को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत शादी कर ली ताकि आपको अपने पति और बहन पर यकीन हो सके। सच्चाई पता चलने के बाद करीना को विश्वास हो जाता है कि अब उसका पति सुधर चुका है और उसकी बहन सिर्फ उसकी खुशियां चाहती है, ना कि उसकी सौतन बनना चाहती है, जिसके बाद करीना अपने पति के साथ रहने लगती है और उसकी गलतफहमी भी दूर हो जाती है। तो वही रागिनी भी अमित के साथ शादी करके खुशहाल जिंदगी जीने लगती है और कुछ महीनों बाद करीना एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद करीना की खुशियां दोगुनी हो जाती हैं और उसकी खुशियों में रागिनी और अमित भी शामिल होते हैं, जिसके बाद करीना उन दोनों को देखकर बोलती है, रागिनी मुझे माफ कर दे, मैं न जाने कितनी गलत थी, मैंने तुझ पर न जाने कैसे कैसे आरोप लगाए। अरे दीदी उस बात को तो काफी समय हो गया ना, आप अब भी इस बात को लेकर बैठी हो, मैं तो भूल गई कब की। मैं नहीं भूल पाई, बस एक बार बोल दे कि तूने मुझे उस बात के लिए माफ किया। अरे बाबा जाओ दीदी, मैंने आपको माफ किया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इस तरह हंसते हुए सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।